नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। आज मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा कि आप कैसे आप अपने जीवन में आने वाले आलस्य से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये जानना जरूरी है कि आलस्य कैसे हमारे दिमाग पर हावी होता है और कैसे हम इससे हमेशा के लिए बाहर आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक बार एक बहुत ही आलसी नौजवान युवक एक महात्मा जी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि हे महात्मन, मुझे आलस बहुत आता है, मैं क्या करूं? फिर वो महात्मा उस लड़के को उत्तर देते हुए कहते हैं, आलस आने के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य का ना होना, और दूसरा कारण है हमारा मन और शरीर कैसे काम करता है इसकी हमने समझ ना होना। ज्यादा आलस किस प्रकार के व्यक्ति को आता है? जिसके जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, उसके जीवन से तो आलस्य कभी जा ही नहीं सकता। लेकिन जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य तो है लेकिन उसे अपने मन और तन की समझ नहीं है, वह भी हमेशा आलस से घिरा रहता है। हमारा मन बहुत ही बड़ा कलाकार है, इसलिए ये हमें मूर्ख बनाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगाता। मन कैसे हमें बेवकूफ बनाता है, आइए जानते हैं। जब हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन हमसे कभी यह नहीं कहेगा कि मुझे ध्यान नहीं करना, बल्कि ये तुमसे कहेगा कि ध्यान करना तो अभी सही नहीं है, ये तो ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा होता है। इसलिए ये अपने काम से आसनी से इस प्रकार छुटकारा ले लेगा और इससे आप भी खुश होंगे, क्योंकि आप नहीं समझ पाए कि आप बेवकूफ बन गए, क्योंकि मन ने आपको एक नई राह दिखाकर आपसे किनारा कर लिया है। क्योंकि अब न तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे ना ध्यान कर पाओगे। इसी प्रकार ये तुम्हें धन कमाने के लिए भी कभी मना नहीं करेगा, ये तुम्हें समझाएगा कि धन ही सब कुछ थोड़ी होता है, धन से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ये कभी तुम्हारा विरोध नहीं करेगा बल्कि तुम्हें मूर्ख बनाता है। आप सोच कर देखो, बिल्कुल ऐसा ही होता है ना तुम्हारे साथ? और कमाल की बात तो ये है कि तुम मूर्ख बन भी जाते हो। लड़के को महात्मा की सारी बात सच लगी तो उसने महात्मा जी से आगे प्रश्न पूछते हुए कहा कि महात्मन, आप मुझे इसका कोई उचित समाधान बताए। फिर महात्मा जी बोले, जो ये तुम्हारे साथ करता है वही तुम अपने मन के साथ करो। जैसे तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बना रहा है वैसे तुम इसे मूर्ख बनाओ। जब तुम्हारा मन तुम्हें कहे कि कुछ देर आराम कर लेता हूँ और सो जाता हूँ, उसके बाद काम करूंगा, तो तुम इससे कहो कि थोड़ी ज्यादा देर आराम कर लूंगा लेकिन उससे पहले ये काम खत्म कर लेता हूँ, बस थोड़ा सा तो काम है। जब तुम्हारा मन कहे कि आज स्वादिष्ट भोजन करूंगा, तो तुम इससे कहो कि हाँ क्यों नहीं, भोजन के साथ साथ आज अच्छी मिठाई भी लूंगा लेकिन उससे पहले एक घंटा कसरत कर लेता हूँ, ताकि वो अच्छे से मुझे हजम हो सके और मैं उसका पूरा आनंद ले सकूं। इस प्रकार तुम अपने मन को मूर्ख बनाओ। लड़का अगला सवाल करते हुए कहता है, हे महात्मा, मैं कब तक अपने मन को इस प्रकार मूर्ख बनाऊं? फिर महात्मा जी उससे बोले कि जब तक अपने आलस से मुक्त रहना चाहते हो तब तक तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाते रहना होगा। लड़का कहता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे अफसोस होता है, मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे भीतर से कुछ करने का मेरा मन ही नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? ये सुनकर महात्मा जी कहते हैं, मन को तुम मूर्ख बना सकते हो लेकिन शरीर को तुम्हें समझना होगा। हमारा शरीर चलता है भोजन से, तुम यदि गलत भोजन करोगे तो सही काम कैसे करोगे, कैसे तुम्हें काम करने की ऊर्जा मिलेगी? गलत भोजन यानी जो तुम्हारे स्वास्थ्य के अनुकूल ना हो लेकिन तुम अपने स्वाद के लिए खाते हो, जिसका पाचन तुम्हारे शरीर में होता नहीं है, इसलिए तुम ऐसे भोजन को छोड़कर ऐसा भोजन करो जो कि तुम्हारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न करे, न कि तुम्हें आलस्य से भर दे, जैसे कि ताजा फल, हरी ताजी सब्जियां और घर का बना शुद्ध खाना आदि। लड़का अगला सवाल करता है, महात्मा कृपया मुझे ये बताए कि मैं शुरुआत कैसे करूं? महात्मा जी कहते हैं, शुरुआत करो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके, एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य केवल कहने के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए, लक्ष्य ऐसा हो जिसके साथ तुम्हारी भावनाएं भी जुड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा हो जिसके बारे में सोचकर ही तुम्हारे अंदर एक कट सा दौड़ जाए, तुम्हें बहुत अच्छा हो जिसके बारे में सोचकर ही, तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि लक्ष्य तुम्हारा ऐसा है तो वो तुमसे सब कुछ करवा देगा, और अगर लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है और तुम्हारी भावना के साथ भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर पहले तुम अपने ऐसे लक्ष्य को खोजना ही लक्ष्य बना लो। जिस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने बनाया था, उन्हें भी पहले अपना लक्ष्य नहीं पता था, वो नहीं जानते थे कि मंजिल कैसे मिलेगी, वे तो सिर्फ निकल पड़े थे। जो आशा थी मन में वह भी टूटने लगी थी, लेकिन अंदर से प्यास इतनी गहरी थी कि लक्ष्य को पाकर ही दम लेंगे। जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तब तक तुम अपने मन को मूर्ख बनाते रहो जैसे वो तुम्हें बना रहा है। कोई भी व्यक्ति शराबी बनना नहीं चाहता, लेकिन वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपने मन के जाल में
फंस जाता है और उसका मन उसे शराबी बना ही देता है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति चोर बनना नहीं चाहता है, लेकिन मन उसे लालच देकर चोर भी बना ही देता है। एक बात तो तुम भी हमेशा याद रखना, जब तक तुम बुद्धि से ऊपर उठकर बुद्ध नहीं बन जाते, तब तक तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो तुम अपने मन के द्वारा मूर्ख बनो या फिर तुम इसे मूर्ख बनाओ। कामयाब होने के लिए ऐसा करो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दिया तो यह मन तुम्हें मूर्ख बना ही देगा। महात्मा की बातें सुन फिर वो नौजवान लड़का कहता है कि यह तो आसान है, मन को मूर्ख बनाया जा सकता है। वे महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह आसान भी तुम्हारे मन को लग रहा है? वही कह रहा है कि ये आसान है। ये मन कब और कैसी चल चले उसे जानने के लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा। अपनी जागरूकता को बढ़ाओ और जागरूक व्यक्तियों के साथ रहो और अपने खुद के साथ भी समय बिताओ। अगर तुम आलसी व्यक्तियों के साथ रहोगे तो तुम भी आलसी बन जाओगे, क्योंकि ऊर्जावान लोगों के साथ रहने से तुम भी ऊर्जावान बने रहोगे। फिर वह लड़का महात्मा जी से कहता है कि मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना अभी और इसी वक्त शुरू कर देना चाहिए। महात्मा बोले, हाँ सही कहा तुमने, सही समय की प्रतीक्षा करना भी इसी मन की चाल है। तुम्हें इसमें फंसना नहीं है, इसलिए अभी और इसी समय अपने काम पर लग जाओ और अपने मन पर विजय प्राप्त करो। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? प्लीज आप इसे लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। धन्यवाद।